और इसके माध्यम से सिर्फ लूट किया जाएगा। आपने जल नल, मैं तो कहता हूं जल नल छल है, बहुत बड़ा छल है जल नल। माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर गए थे, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था समीक्षक बैठक में कि माननीय मुख्यमंत्री जी संजोग से आप आज हेलीकॉप्टर से नहीं आए हैं, आप आए हैं बाई कार से, और कार से आप जाइएगा तो हमारे ही विधानसभा क्षेत्र से जिसमें 8-9 पंचायत पड़ेगा रामदयालु से लेकर और फकुली तक। आप माननीय मुख्यमंत्री जी आप किसी भी पंचायत में जाकर आप देख लीजिए कि जल नल का क्या हाल है। तो बजट आप दे रहे हैं तो आप जल नल में आप किस प्रकार से जो जल नल का मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस करने के लिए पैसा आप दीजिए, मेंटेनेंस कर चाहिए। हम लोग जो विधायक हैं जहां भी जाते हैं और हमारा सत्ता पक्ष और विपक्ष भी सभी विधायक यहां पर बैठे हुए हैं, आप लोग भी दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आपके जनता कहती है कि नहीं कि जल नल फेल हो गया है हमें चापाकल चाहिए, बोलता है कि नहीं कि हमें चापाकल चाहिए। तो आप तो जल नल छल कर इस बिहार को छलने का काम किया है, आप छलिया है, आप जो है सो इस बिहार के गरीब जनता को शोषित उपेक्षितों को जिस प्रकार से आपने ठगने का काम किया है यह जनता माफ करने वाली नहीं है। आप जो है सो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर हम जो है सो 16,000 करोड़ रुपया देंगे, कहीं पर दवाई नहीं कहीं पर खटाई नहीं। एक गीत पुराना गाते हैं, एक गीत पुराना गाते हैं बिहार के गरीबों नौजवानों को भरमाते हैं और दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने इस बजट को लाया गया है, इसमें बताया गया है कि कृषि पर 29,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो 29,000 करोड़ रुपया आप कहां खर्च करेंगे? वो आपका जो कृषि का जो पदाधिकारी बैठा हुआ है, अगर 29,000 करोड़ में से किसानों के पास में 5% भी पैसा नहीं पहुंचता है, आपका कमीशन में वो पैसा चला जाता है, कमीशन में वो पैसा चला जाता है। आप कहते हैं कि 29 करोड़ देंगे किसान और मजदूर, आज किस प्रकार से इस कोरोना काल में और आए हुए बाढ़ में किस प्रकार से किसान और मजदूरों का हाल रहा? आपने अभी तक कृषि इनपुट का पैसा नहीं दिया, आपने कहा कि कृषि इनपुट के द्वारा हमसे किसान को पैसा देंगे, आज तक हमारे पुरनी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी किसान को सही रूप से मिला नहीं। और आप कहते हैं कि कृषि नया बजट लाए हैं, वही गीत पुराना गाते हैं। और आपने कहा कि शिक्षा पर 39,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, तो 39,000 करोड़ कहां पर खर्चा करने जा रहे हैं आप? अभी तक हमारे ही क्षेत्र में कई जगह देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए मगर बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, क्या आप उस पर खर्चा करने जा रहे हैं? या इसमें भी बंडर बांट करने जा रहे हैं? यह बजट जो दिखाई दे रहा है बिहार के जनता को सरासर धोखा देने वाला बजट दिखाई पड़ रहा है।